है वो सन के आसपास जो रोटेट करते हैं, फिर उसमें किस तरह से होता है सिस्टम, उसमें कितने मून्स होते हैं, किसमें मून होते हैं किसमें मून नहीं होते हैं, वो इज बिगेस्ट प्लैनेट, वो इज स्मॉलर प्लैनेट, तो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर वी विल लर्न उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है कॉमेट।
फिर डे बाय डे खर्च तो चले गए क्योंकि हमें रूटीन लाइफ के लिए रोटी कपड़ा और पानी ये तीन चीजें तो चाहिए। अभी डे बाय डे खर्चा इतना होता जाता है, इतना होता जाता है, इनकम कुछ भी नहीं है, पैसे कहीं से आते नहीं है पर खर्चा बढ़ जाता है। तो कोई लोग इसे बोलते हैं यहाँ खर्चा तो आसमान में चला गया, पर वो आसमान में चला गया वहां से हम एक चीज आसमान आसमान की बात हुई। आसमान मीन्स स्काई, तो स्काई कितना ब्यूटीफुल होगा। देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन आवर प्लैनेट, हमने आगे भी नोट किया था देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। और हमारा जो अर्थ है कौन सी गैलेक्सी में क्या आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में। किसमें, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा प्लैनेट आते हैं। सो यहाँ पे बोला है कि कॉमेट्स, कॉमेट्स क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अ टेल प्लैनेट्स। वो हमने देखी क्यों उसको टेल प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि वो जैसे ही सन की नजदीकों की छाता है तो वहां से आइस और डस्ट, ठीक है, आइस और डस्ट से वहां पे एक फ्रोजन होता है। मींस जो आगे जो ऐसे प्लैनेट टाइप का होता है, मींस इट्स जस्ट लाइक अ स्टोन, ओके, कॉमेट्स इज जस्ट लाइक अ स्टोन। वो स्टोन टाइप का होता है पर दैट इज अ बिग साइज, वो एकदम बड़ी साइज का होता है। तो वो जब सन से होके गुजरता है तो वहां से वो उसको जो फ्रोजन उसकी जो एनर्जी है वहां से उसको जो आइस होती है, डस्ट होती है, तो उसके कारण वो पीछे की साइड है ना उसकी एक गैस निकलती है, लाइक उसको हम तेल टाइप का देखते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि किसे आप लोग टूटता तारा दिखता है तो सिर्फ तारा नहीं होता, यहाँ से यहाँ कोई चीज जाती है तो उसके पीछे भी कुछ ऐसा निकल रहा है, धुआं धुआं टाइप का आप लोगों को दिखता हो या कुछ और, ठीक है। सो जैसे जैसे मिटाएंगे तो ये सब कुछ कहाँ होता है, टेल प्लैनेट में। सबसे पहले हेलेस कॉमेट्स, ये आपके बुक में नहीं होगा पर दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक था हेली कॉमेट्स। हेली कॉमेट जो होता है उसकी बारे में अगर हम लोग देखें तो वो जो है अराउंड 75 या 76 ईयर्स के बाद दिखता है, उसकी लाइफ साइकिल जो होती है ना वो 75 या 76 ईयर्स की होती है। इट मीन्स हम अगर की स्काई में अगर देखते हैं तो वैसे तो सभी जो कॉमेट्स होते हैं उसकी लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है, उसकी लाइफ साइकिल अलग अलग होती है, लाइक किसी की 1 डे की होती है, किसी की 5 डेज की, किसी की 1 ईयर की। बट ये हेली का कॉमेट जो है वो एडमंड हेलिस ने ढूंढा था, किसने ढूंढा था, एडमंड हेलिस ने ढूंढा था, इसलिए उसका नाम हेलिस कॉमेट है। सो यहाँ पे वो फर्स्ट टाइम कब दिखा था, 1958 में, कब दिखा था बच्चों, 1958 में फर्स्ट टाइम, सॉरी 1758, इट्स माय मिस्टेक। सो हेलिस कॉमेट 1758 में फर्स्ट टाइम देखा गया था, 1758 के बाद अभी जो लास्ट टाइम जो देखा है हम लोगों ने हेलिस कॉमेट वो लास्ट टाइम 1986 में देखा था। 1986 में हम लोगों ने लास्ट टाइम हेलिस कॉमेट्स देखा था, हेली का कॉमेट्स, ठीक है। तो इट मींस के अभी जो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हेलिस थियरी उन्होंने बोला था कि ये जो कॉमेट्स है वो अराउंड 75 टू 76 ईयर्स के बाद दिखता है। इट मींस ये जो 1986 में लास्ट टाइम दिखा था वो जिस टाइम कब दिखेगा, वो हमारे अर्थ से गुजरता है 75 टू 76 ईयर्स के बाद हमारे अर्थ से गुजरेगा और वो 2061 या 62 में दिखेगा। लास्ट टाइम 1986 और नेक्स्ट टाइम अभी 2061 या 2061 और 2 में नेक्स्ट टाइम अभी हेलिस प्लैनेट दिखेगा। अगर हम लोग तब तक हो गए या नहीं हो गए दैट वी डोंट नो, पर ये उसकी थ्योरी है जिसमें उसने बोला है कि ये जो हेली का प्लैनेट है, सॉरी हेलिस कॉमेट है, वो 1986 में लास्ट टाइम दिखा था और अभी नेक्स्ट 2061 या 62 में नेक्स्ट टाइम दिखेगा। सो ये हुई कॉमेट्स के बारे में, तो हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि वो तो एक टेल प्लैनेट है, उसमें हमें ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि वो हम लोग उस टाइम देखते ही है टूटता तारा, आप लोग बोलते हो फिर उसको छोटी विश मांगो,
पूरी हो जाती है। और ये जो कॉमेट्स है उसके बाद दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टार, ये भी वन टाइप ऑफ स्टार ही है। उसके बाद आता है एस्ट्रॉइड्स। क्या आता है? एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड जो है वो जनरली मार्स और जुपिटर जो है, मार्स और जुपिटर के आसपास एक लेयर में, एक पर्टिकुलर पाथ पे वो घूमते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो एस्ट्रॉइड है उसका पर्टिकुलर पाथ, आप ब्लू कलर का जो पिक्चर देख रहे हो उसमें आप लोगों को उसको हम लोग आगे के लेक्चर में हम लोगों ने देखा है पर्टिकुलर पाथ पे घूमना, एटलीस्ट उसको ऑर्बिट भी हम लोग कहते हैं। तो ये जो है एस्ट्रॉइड वो भी एक पर्टिकुलर पाथ पे घूमते हैं। तो उस पर्टिकुलर पाथ पे घूमने के लिए आपको क्या लगता है, एक एस्ट्रॉइड होगा? नो। दो एस्ट्रॉइड होंगे? नो। 50? नो। 100? नो। उसको हम अलग अलग से देखते हैं। 1 million is equal to how many lakhs? 10 lakhs. 1 million is equal to how many lakhs? 10 lakh. Whereas 1 billion is equal to how many crores? 1 crore. See, 1 million it means 10 lakh. 1 million it means 10 lakhs. वही पे 1 billion is equal to 1 crores. और आता है 1 trillion. 1 trillion that means 1 lakh crores. Clear? Not clear? Okay. 1 million is equal to 10 lakhs है तो 10 के 1 के पीछे कितने जीरो आएंगे? 6 zero. कितने? 6 zero. It means 10 lakh. वही पे 1 million is equal to 1 crores. तो 1 crores में कितने जीरो आएंगे? 9 zeros. 1 crores में कितने जीरो आएंगे? 9 zeros. वही पे 1 trillion, it means 1 lakh crores. 1 trillion means 1 lakh crores. उसमें कितने जीरो आएंगे? 12 zero. Means हर एक million, billion, trillion में कितना जीरो का डिफरेंस है? 3 3. इसमें 6 zero आएंगे, इसमें 9 zero आएंगे और trillion में 12 zero आएंगे। तो आप लोग सोचोगे कि मैं ये डिस्कशन क्यों कर रही हूँ? ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि ये सारा डिस्कशन मैं क्यों कर रही हूँ? तो एस्ट्रॉइड होता है ना बच्चों, वो मेंटल, कोई कोई एस्ट्रॉइड जो होते हैं ना वो मेंटल के ऊपर डिपेंड बने होते हैं, कोई कोई एस्ट्रॉइड होते हैं वो पूरे गोल्ड के बने हुए होते हैं, तो कोई एस्ट्रॉइड ऐसे भी है कि पूरे प्लेटिनम से बने होते हैं, और कोई एस्ट्रॉइड ऐसे भी वो हमारे अर्थ से भी बड़े हैं, और कोई एस्ट्रॉइड हमारे अर्थ से छोटे हैं। पर जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट में देखा कि उसकी पर्टिकुलर शेप होता है, पर्टिकुलर पाथ होता है, पर ये जो एस्ट्रॉइड है उसका पाथ पर्टिकुलर है बट उसका शेप पर्टिकुलर नहीं है। हर एक एस्ट्रॉइड का शेप अलग अलग होता है। अभी रिसेंटली हमने सुना है कि फ्रांस है, तो फ्रांस में एक एस्ट्रॉइड गिरा था, ठीक है, एस्ट्रॉइड गिरा था और उस एस्ट्रॉइड की वजह से फ्रांस में 1200 लोग घायल हो गए। कितने? 1200 लोग घायल हो गए, उसको चोट लगे पर हाँ उसमें किसी की डेथ नहीं हुई है। तो एस्ट्रॉइड अगर हम एटलीस्ट हमारे अर्थ से ऐसे क्रॉस हो जाए, कोई बड़ा एस्ट्रॉइड होता है तो अगर हमारे अर्थ से क्रॉस हो जाए दैट इज ओके, पर हमारे अर्थ से क्रॉस नहीं होता, मतलब अर्थ के ऊपर एकदम सा गिरता है तो एटलीस्ट अर्थ को फ्यूचर में हार्म भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। ओके, सो वापस आ जाते हैं। अभी जो एस्ट्रॉइड है वो हमने डिस्कस किया कि वो मार्स और जुपिटर के आसपास ज्यादा रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च, नासा के एक रिसर्च करने वाले रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट है, उन्होंने देखा कि जो और एस्ट्रॉइड है, एस्ट्रॉइड है तो अराउंड 29 लाख से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड है, 29 लाख से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड हमारे प्लैनेट पे है। और जो 14,000 एस्ट्रॉइड ऐसे भी हैं कि वो हमारे अर्थ से बहुत नजदीक है, हमारे अर्थ से बहुत नजदीक है। एक दो एस्ट्रॉइड होंगे ना
फाइंड किए हैं, पर उसके बाद की जो एस्ट्रॉइड है उसके ऊपर रिसर्च करेगा। तो चलो यहाँ पे ड्रेनेज मैम, इससे ड्रेनेज मैम से क्या लेना देना? आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि ड्रेनेज मैम से क्या लेना देना? दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के सीईओ? नो। तो कौन होगा? जेफ बेजोस। अमेज़न का सीईओ? नो। बिल गेट्स, एप्पल के सीईओ? नो। तो कौन होगा? वो तो सभी बिलियनियर या धीरूभाई अंबानी, वो है बिलियनियर, ट्रिलियनियर? नो। हमें वही नहीं पता कि हमारा ट्रिलियनियर कौन होगा। हमें बिलियनियर मिल गए हैं, हमें बिलियनियर मिल गए हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट हमें ट्रिलियनियर आज तक नहीं मिला। ठीक है, तो वो ट्रिलियनियर मींस जिसके पास 1 के पीछे कितने जीरो होंगे? 12 जीरो। तो ट्रिलियनियर के पास 10 करोड़ रुपीस। कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है फ्यूचर में कि जो अमेज़न के सीईओ या एप्पल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ या धीरूभाई अंबानी से भी ज्यादा नीचे हो? ट्रिलियनियर को फ्यूचर में ऐसा भी इंसान लग सकता है। तो ट्रिलियनियर बनेगा कैसे? ऐसा भी क्वेश्चन होता है ना कि ट्रिलियनियर हो कैसे सकता है? तो ट्रिलियनियर ये जो हमारे प्लैनेट सिस्टम में नहीं रहा, क्यों प्लूटो नहीं रहा?
उसका वन डे, ठीक है, हमारे अर्थ के 6.5 दिन के बराबर है। कितने? 6.5 दिन के बराबर है। वो रोटेट करता है, अगर हमारी पृथ्वी ऐसे रोटेट करती है, उसका वन डे उसके 6.5 दिन के बराबर है। और वो हमारे सन से इतना दूर है, इतना दूर है, जैसे कि सन है, सन मॉर्निंग में रेज होता है, तो सन की जो रेज वो रेज होने की सिस्टम है, वो रेज होता है तो हमारे अर्थ तक कितने मिनट में पहुंचता है उसका रिफ्लेक्शन? 8 मिनट और 20 सेकंड। कितना टाइम लगता है सन को हमारे अर्थ तक रिफ्लेक्शन जो आता है, वो जो रेज होता है, तो हमारी पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। वैसे ही अगर सन को अगर रेज होना है तो उसको प्लूटो के पास अगर पहुंचता है उसका रिफ्लेक्शन, तो उसको 5 आवर्स लग जाते हैं। कितने? 5 आवर्स। सूरज की किरण पृथ्वी तक अगर आती है तो उसको आने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। वहीं पे अगर प्लूटो की बात करें तो वहां पे 5 आवर्स लग जाते हैं। कितने? 5 आवर्स लग जाते हैं। अभी जो है जो प्लूटो है वो सन से कितना दूर है? 248 ईयर्स। देखो सिंपल सी चीज है, हमने सभी देखा कि मार्स है, यूरेनस है, जुपिटर है, अर्थ है, ये सब कुछ हमने प्लैनेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन की थी। पर जो प्लूटो है उसको एक सन के आसपास अगर रोटेट करना हो तो उसको 248 ईयर्स लग जाएंगे। कितने ईयर्स लग जाएंगे? 248 ईयर्स। पूरा एक चक्कर खत्म करने में 248 ईयर्स लग जाएंगे। प्लूटो को फर्स्ट टाइम 1930 में देखा गया था, 1930 में फर्स्ट टाइम प्लूटो को देखा गया था और उसको हमने अपने प्लेनेट में डाला था, दिस इज द 9th प्लेनेट, ठीक है। फिर एक कम्युनिटी जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी है पूरे 440 लोगों की जो पैनल है वो पैनल को सभी को बुला के फिर 2006 में उन लोगों ने डिसाइड कर दिया कि उसको हम अपनी प्लेनेट या सोलर सिस्टम में उसका उसको हम जस्टिफाइड नहीं करेंगे। क्योंकि अब तक तो मैंने बोला ना कि उसको उसकी एक वो इतना स्लो है, इतना दूर है, वो पूरा आइस बना है, पूरा बर्फ का है प्लूटो, ठीक है। और वहां पे भी ऐसे वाटर का भी है, वहां पे वाटर भी है, जैसे हमारे अर्थ में मैंने बोला था कि 1/3 पोर्शन पूरा पानी से बना है, वैसे भी प्लूटो के वहां भी वाटर तो है। तो एटलीस्ट उसको 248 ईयर्स लग जाते हैं, इसलिए उसको डॉग प्लैनेट भी बोला जाता है। डॉग प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि पूरा प्लैनेट भी नहीं है और इट मींस उसको प्लैनेट 50% ही कंसीडर करते हैं, 50% कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उसको एक पार्ट कंप्लीट करने में 248 ईयर्स लगते हैं। अभी भी उसने उसना उसका हाफ पोर्शन भी खत्म नहीं किया है, उसने अभी भी अपना जब से उसकी रिसर्च की है तब से लेकर अब तक उसने अपना 1/3 पोर्शन भी खत्म नहीं किया है। सो ये बात हुई प्लूटो की, ठीक है। सो यार और चैप्टर इज ओवर। सो आई